5G नेटवर्क के फायदे और नुकसान देखकर तंग रह जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका यू थिंक हिंदी चैनल में एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ। इस समय इंटरनेट की दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम चल रहा है। भारत में भी 5G नेटवर्क पर काम चल रहा है और एयरटेल, जियो, वोडाफोन जैसी कंपनियां 5G ट्रायल भी स्टार्ट कर चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 5G में ऐसा क्या है, इसकी इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है, और अगर 5G आता है तो इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्या सच में 5G नेटवर्क की वजह से चिड़ियों की मौत हो रही है। तो अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम आपको 5G के फायदे और नुकसान के साथ साथ इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। लेकिन 5G के बारे में जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब आपको 5G के 5 फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 पर हाई इंटरनेट स्पीड। 5G का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि इंटरनेट की स्पीड काफी हो जाएगी। 5G आने के बाद इंटरनेट की स्पीड 1000 Mbps तक हो जाएगी। इसे इस तरह समझें कि अगर आपको एक फिल्म अभी डाउनलोड करनी पड़ती है तो 4G से डाउनलोड करने के बावजूद 4 से 5 मिनट या 10 मिनट तक का समय लग सकता है, लेकिन 5G आने के बाद 1 GB तक की फिल्म डाउनलोड करने में महज 1 सेकंड का समय लगेगा। बड़ी से बड़ी फाइल आप चंद सेकंड में डाउनलोड और सेंड कर पाएंगे। नंबर 2, स्मार्ट कार। 5G आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज जिस तरीके से टेस्ला अपनी कार को ड्राइवरलेस बना रही है, उसी तरीके से दूसरी कंपनियां भी स्मार्ट कार बनाने लगेंगी, और स्थिति यहां तक आ जाएगी कि 2030-35 तक जितनी भी गाड़ियां आएंगी वो ड्राइवरलेस ही होंगी, यानी इन कारों में ड्राइवर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 3, थिंग्स ऑफ इंटरनेट। थिंग्स ऑफ इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें घर की सभी छोटी से छोटी चीजें एक साथ इंटरनेट से जुड़ी होंगी। अमेरिका और चीन जैसे देशों में ये टेक्नोलॉजी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जब 5G नेटवर्क बेहद ही आम हो जाएगा तो हर घर में थिंग्स ऑफ इंटरनेट मौजूद होगा, यानी कि घर में मौजूद AC, पंखे, कूलर, फ्रिज, बल्ब समेत सब कुछ इंटरनेट से ही कंट्रोल होंगे। आदमी बैठे बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से में इन चीजों को इंटरनेट के सहारे कंट्रोल कर सकेगा। नंबर 4, इन मेडिकल सेक्टर। ऐसा माना जा रहा है कि 5G आने के बाद मेडिकल फील्ड भी काफी हद तक बदल जाएगा। तेज इंटरनेट की मदद से मरीजों की जटिल से जटिल जांच भी चंद मिनट में ही पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा अभी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी जांच कई बार सटीक रूप से न होने की वजह से इलाज सही नहीं हो पाता है, लेकिन 5G आने के बाद किसी भी बीमारी की जांच बिल्कुल सटीक तरीके से करने में मदद मिलेगी और मरीज को बेहतर इलाज दिया जा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी से ही कहा जा रहा है कि आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5G आने के बाद आज जिस तरीके से हर हाथ में मोबाइल है, उसी तरीके से 5G आने के बाद एक इंसान के रोजमर्रा के जीवन में शामिल ज्यादातर चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगी। ज्यादातर काम मशीनें करेंगी और इंसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। चलिए अब 5G के 5 नुकसान के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, लिमिटेड कवरेज। जब 4G लॉन्च हुआ था तो देखते ही देखते काफी कम समय में ज्यादातर इंटरनेट यूजर 3G से 4G पर आ गए, लेकिन 5G के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह ये है कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उस पर पूरी दुनिया में 5G को पहुंचाना संभव नहीं होगा, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि 5G की कवरेज बड़े शहरों तक ही सीमित रह सकती है। इसके अलावा अभी जो 4G टेक्नोलॉजी पर चलने वाले डिवाइसेस हैं वो 5G नेटवर्क पर काम नहीं करेंगे, इसलिए 5G के लिए अलग से हर तरह के डिवाइस बनाने होंगे, इसमें काफी समय लगेगा। इस तरह पूरी दुनिया से 4G डिवाइस को 5G से रिप्लेस करने में वर्षों का समय लग जाएगा। नंबर 2, ज्यादा नेटवर्क की जरूरत। 5G टेक्नोलॉजी में हाई फ्रिक्वेंसी वेव का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नुकसान ये है कि ये बहुत कम दूरी तक ही ट्रेवल करते हैं। ऐसे में 5G को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा नेटवर्क लगाने पड़ेंगे। अगर आज एक पूरे मोहल्ले में 4G पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है तो उसी एक मोहल्ले में 5G पहुंचाने के लिए 10 नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, डाटा सिक्योरिटी। डेटा की सुरक्षा पर पिछले लंबे सालों से बहस हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 5G आने के बाद हैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आम लोगों का डाटा आसानी से हैकर चोरी कर पाएंगे। इसके साथ ही साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 5G में डाटा सिक्योरिटी को लेकर कोई इंतजाम नजर नहीं आते हैं। नंबर 4, बेरोजगारी बढ़ेगी। 5G का फायदा ये होगा कि देश की इकोनॉमी में काफी बढ़ावा होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लगभग हर सेक्टर में रोबोट आ जाएंगे, साथ ही ज्यादातर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया जाएगा। ऐसे में आम आदमी के सामने रोजगार के लाले पड़ जाएंगे, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 5G आने के बाद अमीर और अमीर होगा, जबकि मिडिल क्लास के लोग एवं गरीब और गरीब
होता जाएगा। नंबर 5, वातावरण को नुकसान। जब 5G आएगा और पूरी दुनिया में 5G का नेटवर्क बिछा दिया जाएगा तो हर मोहल्ले, हर गली और हर नुक्कड़ पर 5G के नेटवर्क लगे हुए मिलेंगे। इसका नुकसान ये होगा कि इससे बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलेगा जिससे इंसानों को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही इन नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। इस कारण ज्यादा इलेक्ट्रिक पैदा करने के चक्कर में ग्रीन हाउस गैस का स्तर बहुत ज्यादा बनेगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ जाएगा। ये तो बात हो गई कि 5G के क्या फायदे और नुकसान हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या सच में 5G नेटवर्क के रेडिएशन से पक्षियों की मौत हो रही है। समय समय पर ऐसी अफवाह जरूर फैलती है कि 5G की वजह से पक्षी मर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी एजेंसी ने 5G नेटवर्क की वजह से पक्षियों के मरने की पुष्टि नहीं की है। तो दोस्तों, 5G को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी अपनी राय देना न भूलें। वीडियो लाइक करते हुए शेयर भी कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 5G के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो और हम यूं ही पूरी लगन और मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए चैनल यू थिंक हिंदी।